डियर स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में हम पढ़ेंगे 9th क्लास की बुक बिहाइव का सेकंड चैप्टर द साउंड ऑफ म्यूजिक। इसमें दो स्टोरीज हैं। दो स्टोरी में से पहली स्टोरी में हम पढ़ेंगे, जो फर्स्ट पार्ट है, एवलिन ग्लीन लिसन्स टू साउंड विदाउट हियरिंग इट। एवलिन ग्लीन एक लड़की है जो डीफ है, बहरी है, जो कान से नहीं सुन सकती है, लेकिन इसके बावजूद भी वह पूरी तरह से म्यूजिक को समझ पाती है, सुन पाती है और उसको बहुत अच्छी तरीके से बजाती है। तो ये इसमें दिखाया है कि एक डीफ लड़की जो बिल्कुल नहीं सुन सकती है, वो उसने किस तरीके से म्यूजिक को सुनना और बजाना सीखा और किस तरीके से उसने बहुत बहुत बड़े म्यूजिशियंस को आश्चर्यचकित कर दिया अपनी इस कला से। तो इसमें राइटर ने जो शुरुआत की है, उसने एक ऐसे इंसिडेंट को लिया है जब एवलिन ग्लीन लंदन की रॉयल म्यूजिक एकेडमी में एक ऑडिशन देने के लिए जा रही होती है और वहां पर जो रेलवे प्लेटफॉर्म होता है वहां पर धक्का मुक्की में वह रेलवे रेल में एंटर करती है। और इस घटना के तुरंत बाद फिर राइटर ने उस एवलिन ग्लीन के बारे में बचपन से, लगभग उसके 10 साल की एज के हिसाब से, के आगे की जो कहानी है उसको उसने धीरे धीरे आगे बढ़ाते हुए पूरा एलिब्रेट किया है कि वो 10 साल के आसपास करके जब लड़की थी तो उसके बाद उसने अपना, उसकी जो डीफनेस थी, सुनने की क्षमता थी, वो गायब होती चली गई धीरे धीरे, और उसके बाद उसने उसके खिलाफ, उसके अगेंस्ट किस तरीके से अपने आप को सुनने की क्षमता बनाने के लिए डेवलप किया, विकसित किया। ठीक है स्टूडेंट्स, तो मैं ये शुरू कर रहा हूँ। पार्ट वन है, एवलिन ग्लीन लिसन्स टू साउंड विदाउट हियरिंग इट। फिर मैं एक बात बता दूं कि आप सभी अपने अपने बुक्स लेके बैठिएगा और बुक्स में आपको बेहतर तरीके से समझ आएगा। जिस तरह से मैं पढ़ रहा हूं, आप भी एक उंगली रखकर उसी जगह पर धीरे धीरे पढ़ते रहें और उनको ठीक से समझते रहें। ठीक है स्टूडेंट्स, रस आर क्राउड जॉस्टल फॉर पोजिशन। रस आवर क्राउड, क्राउड का मतलब है बहुत ज्यादा भीड़। जॉस्टल माने धक्का मुक्की करना, फॉर पोजीशन माने अपनी जगह लेने के लिए ऑन द अंडरग्राउंड ट्रेन प्लेटफॉर्म। जो अंडरग्राउंड ट्रेन प्लेटफॉर्म था वहां पर बहुत सारी भीड़ ने आपस में अपनी अपनी जगह लेने के लिए धक्का मुक्की की, या वहां पर बहुत ज्यादा धक्का मुक्की लोग कर रहे थे। ए स्लाइट गर्ल का मतलब एक हल्की फुल्की लड़की, अर्थात एक छोटी और पतली लड़की। लुकिंग यंगर देन हर 17 ईयर्स, जो अपनी 17 साल की उम्र से भी कम दिखती थी। वह नर्वस थी, थोड़ी घबराई हुई थी, येट एक्साइटेड, फिर भी उत्तेजित थी। एज, क्योंकि शी फेल्ट वाइब्रेशंस ऑफ द अप्रोचिंग ट्रेन। जब उसने आती हुई ट्रेन की वाइब्रेशंस को महसूस किया तब वह थोड़ी उत्तेजित भी थी। इट वॉज हर फर्स्ट डे एट द प्रेस्टिजियस रॉयल एकेडमी ऑफ म्यूजिक इन लंदन। यह लंदन की रॉयल एकेडमी ऑफ म्यूजिक में उसका पहला दिन था, का मतलब पहले दिन वह ऑडिशन देने के लिए या वहां पर एक अपना प्रोग्राम करने के लिए जा रही थी। एंड डॉन्टिंग एनफ फॉर एनी टीनेजर फ्रेश फ्रॉम ए स्कॉटिश फार्म। और एक स्कॉटिश यानी स्कॉटलैंड की एक लड़की, इसने छोटी एक टीनेजर लड़की के लिए यह एक डॉन्टिंग भी था। डॉन्टिंग का मतलब है एक तरह से कुछ डराने वाला या भयभीत करने वाली चीज भी थी, मतलब उसके अंदर थोड़ी सी घबराहट भी थी उसके लिए। बट दिस एस्पायरिंग म्यूजिशियन फेस्ड ए बिगर चैलेंजेस देन मोस्ट। परंतु यह एस्पायरिंग म्यूजिशियन, यह महत्वाकांक्षी या प्रेरणादायक जो म्यूजिशियन थी, उसने सबसे अधिक चैलेंजों से भी अधिक, अर्थात बहुत बड़े बड़े चैलेंजेस अब से पहले वह ले चुकी थी। शी वॉज प्रोफाउंडली डीप, प्रोफाउंडली का मतलब होता है बहुत गहरी तरीके से। वह बहुत ज्यादा बहरी थी, यानी पूरी तरह से बहरी, जो कानों से बिल्कुल नहीं सुन सकती थी। एवलिन ग्लीन्स लॉस ऑफ हियरिंग हैड बीन ग्रेजुअल। एवलिन ग्लीन का जो सुनने की क्षमता का लॉस था वो एकदम से नहीं हुआ था, बल्कि ग्रेजुअल था। ग्रेजुअल का मतलब धीरे धीरे उसकी क्षमता कम होती चली गई थी और लास्ट में बिल्कुल डीप हो गई थी। हर मदर रिमेंबर्स, उसकी माँ याद रखती है, याद करती है, नोटिसिंग समथिंग वॉज रॉन्ग व्हेन द 8-year-old एवलिन वॉज वेटिंग टू प्ले द पियानो। जब 8 साल की लड़की पियानो बजाने के लिए अपनी बारी का इंतजार कर रही थी,
दे कॉल्ड हर नेम एंड सी डिंट मूव, तब उन्होंने उसका नाम पुकारा और वह नहीं हिली, का मतलब तब उसकी माँ समझ गई कि उसका नाम बार बार पुकारा जा रहा है लेकिन उसे अभी तक समझ ही नहीं आया कि उसको बुलाया जा रहा है, तो उसका मतलब समझ गई थी कि वो कहीं ना कहीं कुछ गलत है। आई सडनली रियलाइज शी हैडंट हियर, मैंने तब अचानक महसूस किया कि वह उसने सुना ही नहीं है। ये बात किसने कही? एवलिन ग्लीन की माँ ने। सेज इसाबेल ग्लीन, और जो इसाबेल ग्लीन है वो उसकी माँ है, यानी ये बात इसाबेल ग्लीन कहती हैं। आगे, फॉर क्वाइट ए वाइल, थोड़ी देर के लिए एवलिन मैनेज टू कंसील हर ग्रोइंग डीपनेस फ्रॉम फ्रेंड्स एंड टीचर्स। जब उसके अंदर वो डीपनेस आती चली गई तो कुछ समय तक एवलिन ग्लीन ने अपनी उस सुनने की क्षमता का जो लॉस हो रहा था उसको कुछ अपने फ्रेंड से और अपने टीचर से भी छुपाने की कोशिश की। बट बाय द टाइम शी वॉज 11, परंतु जब वह लगभग 11 साल की हो चुकी, हर मार्क्स हैड डिटीरियोरेटेड, उसके नंबर भी कमाने शुरू हो गए, एंड हर हेड मिस्ट्रेस अर्ज्ड हर पेरेंट्स टू टेक हर टू हिज स्पेशलिस्ट, और उसकी जो हेड मिस्ट्रेस थी, जो प्रिंसिपल थी स्कूल की, उसने उसके माता पिता से उसे एक स्पेशलिस्ट के पास ले जाने के लिए कहा। इट वॉज देन डिस्कवर्ड दैट हर हियरिंग वॉज सेवरली इम्पेयर्ड, और यह तब था जब तब जाकर ये पता चला था कि उसकी सुनने की क्षमता बहुत बुरी तरह से सेवरली इम्पेयर्ड, बहुत अधिक तरीके से विकलांग हो चुकी थी एज ए रिजल्ट ऑफ ग्रेजुअल नर्व डैमेज, और एक धीरे धीरे नर्वस सिस्टम में, नर्व में डैमेज होने के कारण, यानी जो एक नर्व थी उसके कान के पास की नर्व, उसके खराब होने के कारण उसके अंदर बहुत अधिक डीपनेस आ चुकी थी। देवर एडवाइज्ड दैट शी शुड बी फिटेड विद हियरिंग एड्स, अब उसके माता पिता को ये सलाह दी गई कि उसके कानों में सुनने के जो उपकरण होते हैं उनको लगवाया जाए, एंड सेंट टू ए स्कूल फॉर ए डीप, और उसको एक जो ऐसे स्कूल होते हैं जो बहरे लोगों के लिए होते हैं, उन बहरे लोगों के स्कूल में उसको भेजा जाए। एवरीथिंग सडनली लुक्ड ब्लैक, सेज एवलिन, एवलिन कहती है कि उस समय सारी चीजें बिल्कुल एक तरफ ब्लैक ब्लैक, यानी सब कुछ चारों तरफ मुझे अंधेरा सा प्रतीत होने लगा। अब जैसे अब लाइफ नहीं बची, अब लाइफ बिल्कुल अंधकारमय हो चुकी है, ऐसा उसने कहा। बट एवलिन वॉज नॉट गोइंग टू गिव अप, परंतु एवलिन छोड़ने वाली नहीं थी। She was very determined to lead a normal life. वह normal life जीने के लिए and pursue her interest in music, और music में अपने interest को लगातार आगे बढ़ाने के लिए पूरी तरह से determined थी, दृढ़ निश्चय थी। One day she noticed a girl playing a xylophone. एक दिन उसने एक लड़की को xylophone बजाते हुए देखा and decided that, और निश्चय किया कि she wanted to play it too, कि वह भी इसको बजाना चाहती है। Most of the teachers discouraged her. बहुत सारे टीचर्स ने उसको हतोत्साहित किया। But percussionist Ron Forbes, जो तबला वादक Ron Forbes थे, उन्होंने spotted her potential. उन्होंने उसकी क्षमता को सराहित किया, यानी प्रोत्साहन उसको बढ़ाया। He began by turning two large drums to different notes. उसने दो अलग अलग बड़े बड़े ड्रम्स को अलग अलग नोट्स में, यानी अलग अलग टोन में बजाना शुरू किया। और क्या कहा उन्होंने? डोंट लिसन, थ्रो योर ईयर्स, ही वुड से। अब वो कहा करते थे, कौन कहा करते थे? जो तबला वादक Ron Forbes थे, वो एवलिन ग्लीन से कहा करते थे कि डोंट लिसन थ्रो योर ईयर्स, अपने कानों से मत सुनो, ट्राई टू सेंस इट सम अदर वे, इसे किसी और तरीके से सेंस करने की कोशिश करो। सेंस करने का मतलब है इसको समझने की किसी और तरीके से कोशिश करो। अब कौन सा और दूसरा तरीका था ये आप समझेंगे अभी किस तरीके से। सेज एवलिन, एवलिन कहती है, सडनली आई रियलाइज्ड आई कुड फील द हायर ड्रम फ्रॉम द वेस्ट अप एंड द लोअर वन फ्रॉम द वेस्ट डाउन। और वो कहती है अचानक उसने ऐसा महसूस किया कि वो जो हायर ड्रम था, जो ड्रम की तेज आवाज थी, उसने अपनी कमर के ऊपरी हिस्से से और फिर कमर के नीचे के हिस्से से उसे कुछ महसूस करना शुरू किया। फोर्ब्स रिपीटेड द एक्सरसाइज, फोर्ब्स ने उसी एक्सरसाइज को फिर से रिपीट किया, फिर से शुरुआत की,
एंड सून, और जल्दी ही एवलिन डिस्कवर्ड दैट, एवलिन ने पता लगा लिया, खोज कर लिया कि शी कुड सेंस सर्टेन नोट्स इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ हर बॉडी, कि वह अपने बॉडी के डिफरेंट पार्ट से, अलग अलग हिस्सों से म्यूजिक की आवाज को सेंस कर सकती है, मतलब पता लगा सकती है, उनको एब्जॉर्ब कर सकती है। आई हैड लर्न टू ओपन माई माइंड एंड बॉडी टू साउंड एंड वाइब्रेशंस, मैंने अपने बॉडी को, अपने दिमाग को साउंड्स और वाइब्रेशंस के लिए खोलना सीख लिया था। खोलना सीख लिया था का मतलब मैंने ये बात सीख ली थी कि अगर कोई साउंड कहीं आ रही है तो मैं उसको अपने शरीर से और अपने दिमाग से किस तरह से उसको अपने अंदर ले सकती हूँ, समझ सकती हूँ, क्योंकि कान से वो नहीं सुन सकती थी, लेकिन कुछ पार्ट ऐसे थे जो उसकी आवाज़ को सेंस देते थे और सेंस को वो ब्रेन तक ले जा सकते थे। द रेस्ट वॉज शीयर डिटर्मिनेशन एंड हार्ड वर्क, और उसके बाद जो बाकी था वो उसका डिटर्मिनेशन था और उसका कठिन परिश्रम था। ठीक है स्टूडेंट्स, नेक्स्ट पैराग्राफ हम पढ़ेंगे। शी नेवर लुक्ड बैक फ्रॉम द पॉइंट ऑनवर्ड, और उस पॉइंट से उसके बाद उसने पीछे कभी मुड़कर नहीं देखा। शी टूर्ड द यूनाइटेड किंगडम विद ए यूथ ऑर्केस्ट्रा, वह एक यूथ ऑर्केस्ट्रा के साथ यूनाइटेड किंगडम गई। यूथ ऑर्केस्ट्रा का मतलब है, ऑर्केस्ट्रा को समझा दूं, एक गायन मंडली, गाने बजाने वाले लोगों का एक समूह होता है ऑर्केस्ट्रा। जैसे हमारे यहाँ बैंड वगैरह होते हैं, इनको भी हम ऑर्केस्ट्रा कह सकते हैं, या छोटी छोटी गाने वाली मंडली होती है उनको भी हम ऑर्केस्ट्रा कह सकते हैं। तो ऐसी ही एक यूथ ऑर्केस्ट्रा के साथ वह यूनाइटेड किंगडम गई। एंड बाय द टाइम, और अब समय तक, शी वॉज 16, अब तक वह 16 साल की हो चुकी थी। देखो उसने कहानी शुरू की थी कि जब वो 17 साल से थोड़ा कम थी, 17 साल से कुछ छोटी दिखती थी, तब वो उसने प्लेटफॉर्म से उस कहानी को शुरुआत किया था, और इसके बीच में जो बातें हैं वो सारे उसके बैकग्राउंड पर, बैकग्राउंड को समझाने के लिए राइटर ने यहाँ बोली हैं। अब ये फिर वहीं पर आ चुका है जैसे वो 16-17 लगभग ईयर में, ठीक है। तो देखेंगे, बाय द टाइम शी वॉज 16, और अब तक वह 16 साल की थी। शी हैड डिसाइडेड टू मेक म्यूजिक हर लाइफ, उसने संगीत को अपना जीवन बनाना का निश्चय कर लिया था। शी ऑडिशंड फॉर ए रॉयल एकेडमी ऑफ म्यूजिक, उसने जो लंदन का रॉयल एकेडमी ऑफ म्यूजिक थी वहां पर उसने ऑडिशन दिया। ये वही घटना है जब वह जिस ऑडिशन के लिए वो जा रही थी लंदन के लिए, जो प्लेटफॉर्म से शुरुआत इस चैप्टर के शुरुआत में बताई है, अब उसी के बाद ये चैप्टर यहाँ पर आ गया। शी ऑडिशन फॉर द रॉयल एकेडमी ऑफ म्यूजिक, उसने म्यूजिक की रॉयल एकेडमी में ऑडिशन दिया। एंड स्कोर्ड वन ऑफ द हाईएस्ट मार्क्स इन द हिस्ट्री ऑफ द एकेडमी, और उस एकेडमी के इतिहास में अब तक जो भी रिकॉर्ड रहा था उनमें सबसे ज्यादा मार्क्स उसने प्राप्त किए। शी ग्रेजुअली मूव्ड फ्रॉम ऑर्केस्ट्रल वर्क टू सोलो परफॉर्मेंस, अब उसने धीरे धीरे जो ऑर्केस्ट्रल जो परफॉर्मेंस होती थी, ऑर्केस्ट्रल का मतलब जो मंडली में एकजुट होकर सबके साथ गाती थी, अब उसने उस परफॉर्मेंस को धीरे धीरे एकल परफॉर्मेंस में चेंज कर दिया, का मतलब अब वो मंडली में ना गाकर अकेली खुद गाती थी, या अकेला खुद का उसका परफॉर्मेंस होता था। एट द एंड ऑफ हर 3 ईयर कोर्स, और इसके बाद फिर अपना 3 साल के सफर में, शी हैड कैप्चर्ड मोस्ट ऑफ द टॉप अवार्ड्स, उसने अब तक के बहुत टॉप अवार्ड्स जीते थे। एंड फॉर ऑल दिस, और इन सबके लिए, एवलिन वॉन्ट एक्सेप्ट एनी हिंट ऑफ हीरोइक अचीवमेंट, और इन सबके लिए एवलिन अभी तक हीरोइक उपलब्धियों के लिए, यानी साहसिक उपलब्धियों के किसी हिंट को, किसी संकेत को वह स्वीकार नहीं करती थी। इफ यू वर्क हार्ड एंड नो वेयर यू आर गोइंग, यदि तुम कठिन परिश्रम करते हो और तुम ये कठिन परिश्रम करते हो और तुम ये बात जानते हो कि तुम कहाँ जा रहे हो, मीन्स कहाँ जा रहे हो का मतलब है तुम अपना लक्ष्य जानते हो कि तुम्हारा लक्ष्य क्या है, तो क्या होगा, यू विल गेट देयर, तो निश्चित रूप से तुम वहां पहुंच जाओगे, अर्थात तुम निश्चित रूप से अपना गोल प्राप्त कर लोगे। एंड शी गॉट राइट टू द टॉप, और वो वास्तव में बिल्कुल टॉप पर पहुंच गई। टॉप पर कैसे पहुंची, द वर्ड्स मोस्ट शॉर्ट आफ्टर मल्टी परक्यूशनिस्ट विद ए मास्टरी ऑफ सम 1000 इंस्ट्रूमेंट्स एंड हैक्टिक इंटरनेशनल शेड्यूल, क्या है,
कि जो हजारों इंस्ट्रूमेंट्स को बजाने में मास्टरी प्राप्त करके और अपना बहुत ज़्यादा कठिन इंटरनेशनल शेड्यूल को चलाते हुए, हेक्टिक इंटरनेशनल शेड्यूल का मतलब है कि उसने बहुत ज़्यादा, उसका जो शेड्यूल था वो बहुत ज़्यादा टफ था, का मतलब कभी यहाँ जा रही है, कभी किसी को दूसरी कंट्री में अपनी परफॉर्मेंस देने के लिए जा रही है, मतलब हज़ारों ड्रम्स में या हज़ारों इंस्ट्रूमेंट की बजाने में मास्टरी और उसके साथ साथ बहुत हेक्टिक इंटरनेशनल शेड्यूल के साथ ये करते हुए वह एक मोस्ट सॉट यानी बहुत ज़्यादा फेमस कह सकते हैं, बहुत ज़्यादा डिमांड वाली एक मल्टी परक्यूशनिस्ट कलाकार बन गई। मल्टी परक्यूशनिस्ट का मतलब कई तरीके के वादक यंत्रों को बजाने वाला एक म्यूजिशियन। आगे देखेंगे, इट इज इंट्रीगाइंग। इंट्रीगाइंग का मतलब होता है बहुत मन को लुभाने वाला, ये बात बहुत मन को लुभाने वाली है। अब क्या चीज़, टू वॉच एवलिन फंक्शन सो इफर्टलेसली विदाउट हियरिंग, बिना सुने बहुत आसानी से अपने कार्य को करते हुए देखना, एवलिन को ये सब चीज़ करते हुए देखना एक बड़ा आकर्षक चीज़ थी या आकर्षक बात थी या मन को मोह लेने वाली बात थी। इन अवर 2 आवर डिस्कशन, अपने 2 घंटे के डिस्कशन में शी नेवर मिस्ड ए वर्ड, उसने एक भी शब्द को मिस नहीं किया। अब ये बात देखो कि किसी के साथ 2 घंटे का उसका डिस्कशन रहा होगा और जो 2 घंटे का डिस्कशन था उसने एक शब्द को भी मिस नहीं किया, जबकि वो बिल्कुल बहरी थी, कुछ नहीं सुन सकती थी, इसके बावजूद भी उसने जो भी डिस्कशन में बातें हुई उनको सबको उसने गैद कर लिया। किस तरीके से कर सकते हैं, जैसे पहले इसने बताया कि जैसे भी कोई बात होती थी या कोई म्यूजिक बजता था तो उसके सारे के सारे बॉडी के पार्ट्स कहीं ना कहीं कुछ चीज़ों को सुनते थे, वाइब्रेशन से, साउंड से, उसके बॉडी का हर पार्ट ऐसा हो गया था कि वो कुछ ना कुछ अचीव कर लेता था, एब्जॉर्ब कर लेता था। आगे देखें इसमें क्या, मैन विद बुजी बियर्ड्स गिव मी ट्रूबल, मैन विद बुजी बियर्ड्स गिव मी ट्रूबल, शी लाफ्ड। अब उसने हंसकर कहा कि जो लोग बहुत बड़ी बड़ी दाढ़ी वाले लोग होते हैं, दाढ़ी मूछ वाले लोग होते हैं, वो लोग मुझे थोड़ी दिक्कत पैदा करते हैं। ऐसा वो क्यों कहती है, क्योंकि जब वो देखती थी कि सामने वाला कोई भी व्यक्ति है वो क्या बात कर रहा है तो उसकी आंखों से, उसके लिप्स से, उसके चेहरे के एक्सप्रेशन से वह बहुत सारी बातें समझ जाती थी। तो वो ये कहती है थोड़ा हंसकर मजाक में ये कहती है कि जो लोग जिनके चेहरे पर दाढ़ी होती है उसको मुझे समझने में थोड़ी प्रॉब्लम होती है, क्योंकि उसके गेस्चर्स नहीं दिखते हैं, उसके लिप्स नहीं दिख पाते हैं और उसके बहुत सारे चीज़ें जिन चीज़ों से वो अंदाज़ा लगाती थी कि उसके चेहरे पे कैसे भाव उभर रहे हैं और वो क्या कहना चाहता है, उन चीज़ों को, भाव को समझने में उसको थोड़ी दिक्कत होती है। आगे देखेंगे, इट इज़ नॉट जस्ट वॉचिंग द लिप्स, ये केवल उसके लिप्स को देखना ही नहीं था, इट इज़ द होल फेस, ये पूरा चेहरा था। ये पूरा चेहरा क्यों कहता है कि पूरा चेहरा ही उसको कुछ ना कुछ चीज़ें सिखाता था या उससे उसको अंदाजा लगाने में उसकी मदद करता था। स्पेशली द आइज, विशेष रूप से आंखें। शी स्पीक्स फ्लॉलेसली विद ए स्कॉटिश लिल्ट, वह बिल्कुल फ्लॉलेसली, फ्लॉलेसली का मतलब होता है बिल्कुल शुद्ध तरीके से, बिना कोई गलती किए हुए, फ्लॉ का मतलब होता है गलतियां, तो बिल्कुल गलतियों रहित यानी जिसमें कोई शुद्धियां नहीं हो, अशुद्धि ना हो, ऐसी तरीके से वह स्कॉटिश ले में, स्कॉटिश टोन में बातें करती थी। माई स्पीच इज क्लियर, मेरा स्पीच बिल्कुल क्लियर है, बिकॉज आई कुड हियर टिल आई वॉज 11, क्योंकि जब मैं 11 साल की थी तब तक मैं सुन सकती थी, और जो सुन सकती थी उसका वह प्रोनाउंसिएशन उसने सुना था और उसको ये पता था कि किस तरीके से किस टोन में हम बोल सकते हैं। शी सेज, वह कहती है, बट दैट डजेंट एक्सप्लेन हाउ शी मैनेज टू लर्न फ्रेंच एंड मास्टर बेसिक जैपनीज, वो बोलती है कि जो स्कॉटिश है वो तो मुझे पहले से आता है क्योंकि उसका टोन तो मैंने 11 साल तक सुना है, लेकिन उसने जापान की लैंग्वेज को और फ्रेंच को उसने कैसे मैनेज किया यह वो भी नहीं बता पाती है। ठीक है, एक पेज का और बचा हुआ है, मीन्स 4 पैराग्राफ हैं छोटे छोटे और 10 मिनट ज़्यादा से ज़्यादा और लगेंगे स्टूडेंट्स, थोड़ा सा पेशेंस रखेंगे और माइंड को कंसंट्रेट करके रखेंगे, सारी चीज़ें आपको अच्छा समझ में आ रही होंगी और अच्छा आएंगी मैं ऐसी उम्मीद करता हूँ। 7th पैराग्राफ में पढ़ रहा हूँ, एज फॉर म्यूजिक, जैसा कि म्यूजिक के लिए, शी एक्सप्लेन, वह एक्सप्लेन करती है, वह व्याख्या करती है, इट, अब क्या एक्सप्लेन करती है,
इट पोर्स ए थ्रू एवरी पार्ट ऑफ माई बॉडी, के मतलब यह मेरी बॉडी के प्रत्येक भाग से मेरे से अंदर जाता है, मतलब मेरी बॉडी का हर पार्ट संगीत को एब्जॉर्ब करता है। जैसे अगर हम संगीत की बात करें तो एक जनरल मनुष्य है केवल कानों के द्वारा ही संगीत सुनता है, लेकिन वो कहती है कि कानों से तो मैं नहीं सुन सकती, लेकिन मेरी हर बॉडी का हर पार्ट, मेरे पैर की उंगलियां, मेरे हाथ की उंगलियां, मेरे स्किन, ये सारी चीजें, सारी चीजों से मैं म्यूजिक को सुन पाती हूँ। इट टिंगल्स इन द स्किन, यह मेरी त्वचा में सनसनाहट उत्पन्न करता है। माई चीक बॉन्स, मेरे गालों की हड्डियों से, एंड इवन इन माई हेयर, और यहाँ तक कि मेरे बालों से भी सनसनाहट होती है और उनसे मैं इनको अचीव करती हूँ। व्हेन शी प्लेज द ज़ाइलोफोन, जब वह ज़ाइलोफोन चलाती है, बजाती है, शी कैन सेंस द साउंड पासिंग अप द स्टिक इन टू हर फिंगर टिप्स। वह कहती है जब मैं ज़ाइलोफोन बजाती हूँ तो उसकी स्टिक्स से ध्वनि होते हुए मेरे हाथ की फिंगर टिप्स तक पहुँचती है और उनको मैं वहाँ से एब्जॉर्ब करती हूँ। बाई लीनिंग अगेंस्ट द ड्रम, ड्रम के पास, ड्रम की तरफ झुक कर शी कैन फील द रेसोनेंसेस फ्लोइंग इन टू हर बॉडी। ड्रम के पास झुक कर खड़ी होती है तो उसके जो आवाज की गूंज है वो उसकी बॉडी में, उस अपनी बॉडी में वह फील कर सकती है। ऑन द वुडन प्लेटफॉर्म, और जो लकड़ी का प्लेटफॉर्म होता है नीचे, शी रिमूव्स हर शूज, वह अपने जूते उतार देती है, सो दैट, ताकि द वाइब्रेशंस पास थ्रू हर बेयर फिट एंड अप हर लेग्स, ताकि उसके नंगे पैरों से, जो नंगे पैर वुडन फ्लोर पर, लकड़ी के बना हुआ जो नीचे का फ्लोर होता है उस पर पैर रखती है जब म्यूजिक बजता है, तो उस फ्लोर से उसके पैरों में और उसकी जो अपर लेग्स हैं, लेग्स में से होते हुए उसका म्यूजिक उसके दिमाग तक पहुंचता है। नेक्स्ट, नॉट सरप्राइजिंगली, आश्चर्य की कोई बात नहीं है, एवलिन डिलाइट्स हर ऑडियंसेस, और एवलिन अपने ऑडियंस को, मतलब अपने दर्शकों को प्रसन्नचित बना देती है। इन 1991 शी वाज प्रेजेंटेड विद द रॉयल फिलहारमोनिक सोसाइटी प्रेस्टिजियस सोलोइस्ट ऑफ द ईयर अवार्ड। 1991 ईस्वी में एवलिन को रॉयल फिलहारमोनिक सोसाइटीज का प्रेस्टिजियस जो सोलोइस्ट एक अवार्ड था वो उसको दिया गया। सेज मास्टर परक्यूशनिस्ट जेम्स ब्लेड्स, जो मास्टर परक्यूशनिस्ट, जो मैन तबला वादक है जेम्स ब्लेड्स, वो कहते हैं, क्या कहते हैं, गॉड मे हैव टेकन हर हियरिंग, के गॉड ने उसकी हियरिंग, सुनने की क्षमता ले ली होगी, बट ही हैज़ गिवन हर बैक समथिंग एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, परंतु भगवान ने, ईश्वर ने उसको कुछ असाधारण चीज़ें वापस दे दी हैं। वाट वी हियर शी फील्स, जो हम सुनते हैं वो उस चीज़ को महसूस करके पता लगा लेती है। फार मोर डीपली देन एनी ऑफ अस, और जितनी गहराई से हम किसी चीज़ को सुनकर पता लगाते हैं उससे कहीं ज़्यादा गहराई से वह उन चीज़ों को महसूस करके पता लगा लेती है। दैट इज़ वाई शी एक्सप्रेसेस म्यूजिक सो ब्यूटीफुल्ली, इसीलिए वह म्यूजिक को इतनी सुंदरता ढंग से एक्सप्रेस कर सकती है। एवलिन कन्फेसेस दैट, एवलिन स्वीकार करती है कि शी इज समथिंग ऑफ ए वर्कहोलिक, वह एक थोड़ी काम करने की आदी है। काम करने की आदी का मतलब वह बहुत ज़्यादा मेहनती है, हमेशा काम में लगी रहती है। आई हैव जस्ट गॉट टू वर्क, मैंने अधिक मेहनत की है, ऑफन हार्डर देन क्लासिकल म्यूजिशियंस। वो बताती है कि जो क्लासिकल म्यूजिशियंस हैं, जो पुराने संगीतकार हैं, मैंने उनसे भी ज़्यादा मेहनत की है। बट द रिवार्ड्स आर इनॉर्मस, परंतु जो मुझे रिवार्ड्स मिले हैं वो बहुत विशाल हैं, बहुत ज़्यादा हैं। अपार्ट फ्रॉम द रेगुलर कंसर्ट्स, अब आगे है कि जो रेगुलर कंसर्ट्स वो करती थी, कंसर्ट्स का मतलब होता है संगीत के प्रोग्राम देना, तो जो वो रेगुलर नियमित रूप से संगीत के प्रोग्राम देती थी उनके अलावा, एवलिन ऑल्सो गिव्स फ्री कंसर्ट्स इन प्रिजन्स एंड हॉस्पिटल्स। एवलिन कुछ हॉस्पिटल्स में और प्रिजन्स, कैद खानों में भी अपने फ्री प्रोग्राम देती थी। शी ऑल्सो गिव्स हाई प्रियोरिटी टू क्लासेस फॉर यंग म्यूजिशियंस,
वह जो छोटे म्यूजिशियंस होते थे, मतलब जो लर्नर्स होते हैं, उनके लिए भी क्लास देने को प्राथमिकता देती है, का मतलब वह छोटे बच्चों को भी सिखाने में इंटरेस्ट लेती थी। एंड रिचलिन ऑफ द बीथोवेन फंड ऑफ डीफ चिल्ड्रन सेज, जो डीफ चिल्ड्रन, जो बहरे बच्चों के लिए बीथोवेन फंड है, उनका एक व्यक्ति एन रिचलिन कहते हैं, क्या कहते हैं वो, शी इज शाइनिंग इंस्पिरेशन फॉर डीफ चिल्ड्रन, वह बहरे बच्चों के लिए एक चमकती हुई प्रेरणा है। दे सी दैट, वे देखते हैं कि देर इज नो वेयर दैट दे कैन नॉट गो, कि ऐसी कोई जगह नहीं है जहां वो नहीं जा सकते हैं। वो देखते हैं कि जब एक बिल्कुल बहरी लड़की जब ये सारा म्यूजिक सुन सकती है, बजा सकती है, तो फिर और लोग क्यों नहीं बजा सकते। आगे बढ़ेंगे। 10, एवलिन ग्लीन हैज ऑलरेडी अकॉम्प्लिश्ड, अकॉम्प्लिश्ड माने वैसे पूरा करना है, लेकिन यह उपलब्धियां हासिल करने के लिए है। एवलिन ग्लीन हैज ऑलरेडी अकॉम्प्लिश्ड, एवलिन ग्लीन पहले से ही बहुत बड़ी उपलब्धियां प्राप्त कर चुकी थी। मोर देन मोस्ट पीपल ट्वाइस हर एज, अधिकांश जो उसकी उम्र के दोगुने उम्र के लोग प्राप्त करते हैं, उनसे भी अधिक बड़ी उपलब्धियां वो पहले से ही प्राप्त कर चुकी थी। शी हैज ब्रॉट परक्यूशंस टू द फ्रंट ऑफ द ऑर्केस्ट्रा, अब वे जो ऑर्केस्ट्रा होते थे, जो बहुत सारे मंडली में परफॉर्म करते थे, उसने उनके साथ एक तरीके से टक्कर ले ली थी, का मतलब एक तरह से कंपटीशन बना लिया था। एंड डिमॉन्स्ट्रेटेड दैट, और ये डिमॉन्स्ट्रेट कर दिया था, ये प्रदर्शित कर दिया था, सिद्ध कर दिया था, दैट कि इट कैन बी वेरी मूविंग, कि वह बहुत ज़्यादा मूविंग थी, का मतलब ये बात जो उसका आगे बढ़ने वाली थी, लगातार प्रोग्रेस करने वाली थी। शी हैज़ गिवन इंस्पिरेशन टू दोज हु आर हैंडीकेप्ड, वह उन लोगों के लिए जो हैंडीकेप्ड थे, विकलांग थे, उनके लिए बहुत बड़ी प्रेरणा थी एवलिन ग्लीन। पीपल हु लुक टू हर एंड से, पीपल जो लोग उसको देखते थे वो कहते थे, अक्सर क्या कहते थे, इफ शी कैन डू इट, यदि वह ऐसा कर सकती है, आई कैन, तो मैं भी ऐसा कर सकता हूँ। तो ये प्रेरणा वाली बात थी कि जब बिल्कुल बहरी लड़की इतनी सारा, जिसको कोई चीज़ सुनाई नहीं दे सकता है, कान से बिल्कुल नहीं सुन सकती है, जब वो लड़की एक बहुत अच्छा म्यूजिक सुन सकती है, बजा सकती है, और एक ही म्यूजिक नहीं बल्कि बहुत सारे म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट, हजारों म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट में बजा कर मास्टरी प्राप्त कर सकती है, तो फिर मैं क्यों नहीं कर सकता। रियली दैट इज वेरी इंस्पायरिंग थिंग। एंड नॉट द लिस्ट, शी हैज गिवन इनॉर्मस प्लेजर टू मिलियंस, और इतना ही नहीं बल्कि उसने लाखों लोगों के लिए खुशियां दी हैं। और मैं तो कहता हूं कि वास्तव में एवलिन ग्लीन केवल बहरे लोगों के लिए ही प्रेरणा नहीं थी, बल्कि हर एक व्यक्ति के लिए, हर एक स्टूडेंट के लिए, हर लर्नर के लिए एक प्रेरणा है। क्योंकि हम देखते हैं हमारे पास सारी क्वालिटीज़ हैं, सुनना भी है, आंखें भी हैं, सब चीज़ कर सकते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी हम अपनी परफॉर्मेंस अच्छी नहीं लाते हैं जब हमारा इंटरेस्ट नहीं होता है। और ये इसने इसी चीज़ को प्रूव किया है कि यदि आपके अंदर इंटरेस्ट है, किसी चीज़ को करने की लगन आपके अंदर है, और उसको पूरी तन्मयता से आप करना चाहेंगे, तो आपके अंदर जो छोटी मोटी कमियां हैं ना, वो भी एक साइड हो जाएंगी, वो भी आपके अंदर एक क्वालिटी डेवलप कर लेंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, ये हमारा चैप्टर था द साउंड ऑफ द म्यूजिक का फर्स्ट पार्ट, और उम्मीद करता हूँ आपने इसको बहुत इंजॉय किया होगा, और आप इससे कुछ नई प्रेरणा लेंगे और अपनी पढ़ाई को, अपने जीवन की एक अच्छी लाइन, एक अच्छी दिशा देंगे, और एक अच्छा लाइफ, एक अच्छा पर्सनैलिटी आप अपने आप में डेवलप करेंगे। थैंक यू वेरी मच, हैव ए नाइस डे, गुड बाय, टेक केयर।